नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। नैनीताल के हल्द्वानी में एसडीएम ने किया बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण। खबर उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी की गोला और नंधौर नदी में लगातार जल स्तर बढ़ने से अब बाढ़ और कटाव का खतरा मंडराने लगा है, जिसको देखते हुए एसडीएम मनीष कुमार ने नदियों का निरीक्षण कर कटाव को रोकने के लिए किए जा रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। एसडीएम मनीष कुमार ने बताया कि नंधौर नदी में लगातार बरसात की वजह से जलस्तर बढ़ने की संभावना है, जिससे कि तटवर्ती इलाकों में कटाव हो सकता है, लिहाजा उनके द्वारा कटाव को रोकने के लिए किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण कर उनमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आसपास रह रहे लोगों से खतरे की स्थिति में तत्काल प्रशासन से संपर्क करने की अपील की गई है। आइए जानते हैं मनीष कुमार एसडीएम हल्द्वानी ने क्या कहा। नैनीताल संवाददाता संजीव सिंह की रिपोर्ट। और में जो बाढ़ सुरक्षा कार्य चल रहा है उसमें मुख्यतः स्पर बनाने का काम है और निर्देश ये दिए गए हैं कि चूंकि अभी भारी बारिश का अलर्ट है तो जल्दी से जल्दी कार्य संपन्न कर लिए जाएं, जिससे कटाव की स्थिति उत्पन्न ना हो, और उसके साथ ही अगर कोई नदी को चैनलाइज किया जाना है तो वो चैनलाइज भी कर लिया जाए।